जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव में धांधली, उन्हें भी तकरीबन 7-8 हज़ार वोट मिली। तो धांधली होती तो सारे बूथों पे होती, एक दो पे नहीं होती। और इस मशीन सिस्टम में धांधली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले हर पहले मॉक पोल होता है, हर मशीन को चेक कराया जाता है, उनको एजेंट वहाँ होते हैं और उस एजेंटों की सेटिस्फेक्शन के बाद ही वहाँ पोलिंग शुरू होती है। और उसके पश्चात दोबारा उन्होंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन एडीसी साहब को लगाई, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई और सेटिस्फाइड थे उससे, रिकाउंटिंग से उनके वहाँ सिग्नेचर हुए, तत्पश्चात वो वहाँ से गए। लेकिन वो जो हार है वो एक व्यक्ति की हार है, और उस व्यक्ति के पीछे तथाकथित कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे और लोग भी इसके पीछे हैं, वो उस हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हजम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अकेले उस व्यक्ति को जवाब देना भारी पड़ रहा है कि तेरी हार हो गई, हमने ठेकेदारी तेरे जिताने के लिए थी। और ये हार एक व्यक्ति की हार है, ना किसी समाज की। समाज तो सभी पार्षदों के साथ है, हर व्यक्ति के साथ 36 बिरादरी होती तभी चुनाव जीतता है। उसको जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्ण पाल जी गुर्जर जी को, जिनसे कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि आप जानते हो लोकसभा चुनाव वो जीत गए, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई, फिर जिला पार्षद वो बीजेपी का हो गया, ब्लॉक समिति बीजेपी का हो गया, और अब आखिरी चुनाव बचा था नगर निगम, इसमें तो उनका सोपड़ा ही साफ हो गया। तो ये बड़ी दिक्कत है उनके पेट में, मरोड़ है कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी लोकप्रियता माननीय मंत्री जी की कैसे हो रही है। असली दिक्कत उनकी लोकप्रियता से है और उनके कामों से है। माननीय मंत्री कृष्णपाल जी 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी बिरादरियों को सम्मान करते हैं और सभी बिरादरियों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद तिगांव के सीट से लेकर होटल तक सब जगह उन्होंने लीड किया था, तो सारी बिरादरियां साथ थी तभी लीड किया था। अकेले बिरादरी से तो कोई पार्षद नहीं बन सकता, तो लोकसभा के सांसद हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसको जातिगत रंग ना दे, भाईचारा बना के रखें और विकास में अपना सहयोग करें आगे। आप सब आदमी चुनाव विकास के लिए लड़ते हैं, भी क्षेत्र का विकास हो। अब क्षेत्र ने एक पार्षद चुन दिया है, उसके साथ लगे काम करें, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, उनको जातिगत रंग माहौल खराब करें। और रही बात कानून